उर्वशी रौतेला ने सड़क पर खड़े होकर बच्चियों के बीच बांटा खाने का पैकेट, इसका वीडियो हुआ वायरल। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए उर्वशी ने लिखा, सेलिब्रेटिंग कन्या पूजा विद माई यंग गर्ल्स। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज को लेकर फिर हो रहा है विवाद। एक न्यूज रिपोर्ट की खबर के मुताबिक ब्रह्मास्त्र की लंबाई को लेकर इशू खड़ा हो गया है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियो और डिज्नी रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने फिल्म की लंबी लेंथ को लेकर आपत्ति जाहिर की है। रिपोर्टेडली आयान मुखर्जी को फिल्म 23 से 30 मिनट तक कम करने के लिए कहा गया है। ऐसे में आयान निर्माताओं की ये मांग नहीं मान रहे हैं। उनकी नजरों में वो फिल्म में जिस सीन को हटाना चाहते हैं वो असल में काफी जरूरी है और कहानी को आगे बढ़ाता है। कंगना रनौत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ऐसी बात कह दी है जिससे सब हैरत पे पड़ गए हैं। जयंती के मौके पर कंगना रनौत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यही नहीं, कंगना ने अपने ट्वीट्स के जरिए महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की है। देखिए ये ट्वीट्स। मिर्जापुर के मेकर्स पर कंगना रनौत ने साधा निशाना। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक निकिता तोमर मामले में हत्यारा तौसिफ अहमद वेब सीरीज मिर्जापुर के मुन्ना से प्रभावित था। अब कंगना ने न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए आज के दौर में बन रहे ऐसे कंटेंट की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि क्राइम और क्रिमिनल को ग्लोरीफाई किया गया तो जेनरेशन क्या सीखेगी। गाली गलौज और मारपीट से सजी ये वेब सीरीज आज के दौर के युवाओं को बेहद पसंद आ रही है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव देखने को भी मिलेगा। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम सहित भूत पुलिस की टीम आज डलहौजी के लिए रवाना हुई। फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग डलहौजी में होगी। फ्लाइट में सवार होने से पहले टीम ने कैमरे के लिए पोज दिया। सिंघम फिल्म की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल आखिर शादी के बंधन में बंध गई है। उनकी शादी की तस्वीरें सामने आईं। आलिया भट्ट जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचेंगी, जहां वो रामचरण तेजा के साथ एक बड़ा डांस सीक्वेंस शूट करने वाली है। अब खबरों की माने तो इस गाने को गाएंगी खुद आलिया भट्ट। रिपोर्टेडली अगर आलिया अपने तमिल और तेलुगु भाषा पर ठीक से काम नहीं कर पाई तो वो केवल फिल्म के हिंदी वर्जन में ही गाना गाती दिखाई देंगी। नेपोटिज्म का मुद्दा सलमान खान के शो बिग बॉस 14 में भी पहुंच चुका है। शो का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें सलमान खान नेपोटिज्म को लेकर कंटेस्टेंट राहुल वैद्य से नाराज दिखे। सलमान खान कंटेस्टेंट राहुल से कह रहे हैं, बिग बॉस ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहां नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात की जाए। अगर मेरे फादर मेरे लिए कुछ करते हैं तो वह नेपोटिज्म हुआ। आप अपने बच्चों को किसी के ऊपर थोप रहे हो, प्रेशर डाल रहे, इस इंडस्ट्री के अंदर ये पॉसिबल है मुझे जानना है। लक्ष्मी बॉम्ब के नाम पर हुए कंट्रोवर्सी के बाद मेकर्स ने फिल्म का नाम लक्ष्मी कर लिया है। अब इस फिल्म का नया पोस्टर अक्षय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कुछ बदलाव के साथ। नए पोस्टर में लक्ष्मी की स्पेलिंग को चेंज किया गया, साथ ही इसमें अक्षय कुमार के साथ कियारा अडवाणी भी नजर आ रही है। पोस्टर को शेयर करते हुए लक्ष्मी बॉम्ब स्टार अक्षय ने लिखा, अब हर घर में आएगी लक्ष्मी, घर वालों के साथ तैयार रहिए 9 नवंबर को, ये दिवाली होगी लक्ष्मी वाली। ट्विटर पर सोनू सूद को टैग करते हुए एक शख्स ने लिखा, सर मुझे मालदीव जाना है, पहुंचा दो ना। इस पर सोनू सूद ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। सोनू ने इसके जवाब में लिखा, साइकिल पर जाओगे या रिक्शा पर भाई। इसी के साथ आपको बता दें कि सोनू सूद ने एक गांव की सभी लड़कियों को साइकिल देने का भी ऐलान किया है। संतोष चौहान नाम के ट्विटर यूजर ने सोनू सूद से गांव की लड़कियों के लिए साइकिल दिलाने की रिक्वेस्ट की थी। इसी पर सोनू ने दिया जवाब।